नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं मंगिता हाजिर हूँ खेल जगत की बड़ी खबर के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ टीमें ऐसी हैं जो अभी तक एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जो पिछले 15 सालों से आईपीएल खिताब का इंतजार कर रही है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, क्रिस गेल जैसे बड़े नाम इस टीम के साथ अलग अलग वक्त पर जुड़े रहे, लेकिन कोई भी बड़ा नाम इस टीम को खिताब नहीं दिला पाया है। ऐसा क्या है जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इतने सालों में कोई खिताब नहीं जीत पाई है? आखिर इतने बड़े नाम होने के बाद भी टीम कहां पर मात खा जाती है? सिर्फ आईपीएल ही नहीं, अब तक महिला प्रीमियर लीग में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बुरी शुरुआत हुई है। आरसीबी की मेन फ्रेंचाइज ने ही महिला प्रीमियर लीग में इस टीम को चुना है, जिसमें स्मृति मंधाना, एलिसी पैरिस समेत कई स्टार प्लेयर शामिल है। डब्ल्यूपीएल 2023 के पहले सीजन की शुरुआती 4 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जॉइंट्स, यूपी वेल्जियर्स से हार झेलनी पड़ी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पर नजर डालते हैं, जहां सितारों से सजी हुई ये टीम हर बार खिताब जीतने से चूक जाती है। टीम कॉम्बिनेशन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ी परेशानियों में से एक टीम कॉम्बिनेशन रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो टीम के पास राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, शेन वॉटसन, केएल राहुल, डेनियल विटोरी जैसे बड़े खिलाड़ी अलग अलग वक्त पर टीम के साथ जुड़े रहे हैं। हालांकि टीम की बड़ी मुश्किल ये रही है कि 3-4 स्टार खिलाड़ियों के अलावा अन्य खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जो टीम को आगे बढ़ा सके। बल्लेबाजी कोहली डिविलियर्स गेंद के इर्द गिर्द रही है, यानी आरसीबी की पहली बड़ी समस्या ऑप्शन में रही है, जहां टीम चुने जाने का तरीका सही नहीं है, जिसका घाटा उसे टूर्नामेंट के शुरुआती या किसी बड़े मैच में चुकाना पड़ा है। कमजोर कप्तानी, जी हां, एक लंबे वक्त तक विराट कोहली ने ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी की है। 140 मैचों में टीम की कप्तानी संभाल चुके हैं, इनमें से 64 में जीत 59 में हार मिली है। विराट कोहली भले ही बल्ले से रन बरसाने के मामले में काफी आगे रहे हों, लेकिन कप्तानी के मामले में वे कई बार फ्लॉप भी साबित हुए हैं। बड़े मौकों पर गलत फैसले लेना हो या फिर बड़े मुकाबलों में टीम का पैनिक कर जाना हो, विराट कोहली से पहले भी आरसीबी की कमान राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, अनिल कुंबले, डेनियल विटोरी के हाथ में रही है, लेकिन कोई भी टीम को जीत नहीं दिला सका। विराट कोहली बल्ले से तो टीम को संकट से निकाल लेते हैं, लेकिन लीडरशिप के मामले में वह पीछे छूट जाते हैं। विराट कोहली का कप्तानी का रिकॉर्ड टीम इंडिया के साथ भी ऐसा ही रहा है, जहां वह अपनी लीडरशिप में कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2017, वर्ल्ड कप 2019, टी20 वर्ल्ड कप 2021 को गंवाया है। विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ दी थी, साथ ही उन्होंने आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ दी थी। अब आरसीबी की कमान फॉफ डू प्लेसिस के हाथ में है। कमजोर बॉलिंग लाइनअप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास हमेशा से ही बड़े नाम रहे हैं। बॉलिंग लाइन अप में भी ऐसा ही इतिहास रहा है, लेकिन इसका असर मैदान पर नहीं देखने को मिला है। शुरुआत से देखें तो अनिल कुंबले, जैक कॉलिज, शेन वॉटसन, डिल स्टैन, डेनियल विटोरी जैसे बड़े बॉलर टीम के साथ जुड़े रहे हैं। टीम का इतिहास बताता है कि कोई भी प्लेयर आरसीबी के लिए कमाल नहीं कर पाया। आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड भी युजवेंद्र चहल के नाम है, जिन्होंने 113 मैच में 139 विकेट लिए हैं। आरसीबी के बॉलर्स की सबसे बड़ी दिक्कत उनका इकोनॉमी रेट रहा है। आंकड़ों को देखें तो आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 बॉलर में से किसी का भी इकोनॉमी रेट 7 से नीचे नहीं रहा है, कई तो 8 से 9 के इकोनॉमी रेट तक भी नहीं गए।
महिला प्रीमियर लीग में भी बुरा हाल। आईपीएल की तरह ही महिला प्रीमियर लीग में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का वही हाल रहा है। ऑक्शन में जब टीम चुनी गई तो बड़े नाम टीम के साथ जुड़े, तब लगा कि आरसीबी को जो कमाल आईपीएल में नहीं कर पाई शायद डब्ल्यूपीएल में कर देगी और यहां खिताब जीत लेगी। टीम ने अपने साथ स्मृति मंधाना, एलिस पेरी समेत कई बड़े स्टार को जोड़ लिया था और इन पर जमकर पैसा भी लुटाया था। लेकिन यहां भी पुरुष आरसीबी टीम की तरह ही हाल हुआ। बता दें स्मृति मंधाना भारत की नंबर वन बल्लेबाज है। T20 इंटरनेशनल में दुनिया में उनके नाम कई रिकॉर्ड है। इसके अलावा सोफी डिवाइन, एलिस पेरी और हीदर नाइट जैसे बड़े प्लेयर अभी तक WPL में फ्लॉप साबित हुई हैं। ऐसे में यहां भी RCB का कॉम्बिनेशन लड़खड़ाया है, क्योंकि स्मृति मंधाना जहां फेल हो रही हैं, वहीं कोई अन्य बल्लेबाज कमाल नहीं कर पा रहा है। साथ ही ऐसे बॉलर भी टीम के पास नहीं है जो किसी स्कोर को सेव कर सके। बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड द्वारा खरीदी गई है, जिसका मालिकाना अधिकार विजय माल्या के पास है। आरसीबी की टीम शुरुआत में काफी विवादों में भी रही, जहां टीम की मैच के बाद की आफ्टर पार्टी काफी सुर्खियां बटोर रही थी, जिसके अलावा विजय माल्या, उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या भी आरसीबी के मैचों के दौरान हाईलाइट में रहते थे। आरसीबी ग्रुप के क्रिकेट डायरेक्टर माइक हेसन है, जबकि संजय वांगड़ टीम के हेड कोच है। तो बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर।